बोल चुका हूं कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। ये जब ये प्रोग्राम है, इस सरकार से अपेक्षा नहीं बची, मुख्यमंत्री और तंत्र से आस नहीं बची इस बात की बेटियों की रक्षा करने, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, समाज को आगे आना पड़ेगा, जागृति लानी पड़ेगी, सबसे बात करना पड़ेगी, आपस में चर्चाएं करनी पड़ेगी, एक दूसरे से प्रदेश के नागरिक बात करें कि क्या 17 मिनट में एक बेटी की के साथ बलात्कार होता है। एक मौन रह के घर में बैठ के सोच के विचार करो कि हर 17 मिनट में एक बेटी के साथ अत्याचार हो रहा, आंख मिचो और इस विचार को जियो, तो एहसास होगा इस बात का कि वो बेटी आज मेरी नहीं है, 17 मिनट में नंबर आ रहा तो किसी न किसी परिवार की है, तो ये यातना कितनी बढ़ती जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये पूरा बेटी बचाओ अभियान का कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें हर नागरिक को अपना खुद का वीडियो बनाना है और बेटियों की रक्षा की शपथ लेनी है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के को इस बात की, चूंकि उनकी सरकार है, एहसास कराना है। तो मैं मानता हूं स्पीकअप को लेकर सारे मीडिया समूह भी हमारी मदद करें, बेटी बचाओ अभियान को लेकर हमारी सहायता करें, हमारी नहीं ये बेटियों की सहायता, उन ऐसे विचार अत्याचारियों के खिलाफ एक आवाज है और ये सबको मिलकर लगानी। बेटी बचाने का मतलब केवल वीडियो जारी करने से नहीं है, कांग्रेस ने हर समय महिलाओं के उत्पीड़न के काम किए। नैना साहनी कांड किसने किया? इतनी बातें करते हैं बंगाल में जो कुछ हुआ बेटी के साथ, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी ने एक शब्द भी उस पर कहा? केवल राजनीति कर देने से किसी मुद्दे पर हमारी गंभीरता प्रकट नहीं होती। यदि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु वो इसका जवाब भी तो दे। जब कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, सब बेटियों के साथ क्या हुआ? हम कटिबद्ध हैं बेटियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, पर केवल राजनीति करने के लिए कांग्रेस इस तरह की बातें करेंगे तो यह आपत्ति। सर कह रहे प्रदेश भी बंद कराएंगे यदि नहीं अपराध कम। देखिए, राजनीति करने के लिए, अपने अपने पदों को बचाने के लिए, अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए यदि काम करते हैं तो इसका कोई बहुत सुखद परिणाम नहीं निकलेगा।